हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाल टेक में। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा, अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं और आपने अभी अभी ही यूट्यूब की शुरुआत की है दोस्तों, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐप ऐसे कौन से चार ऐप हैं जो हर एक यूट्यूबर जो है यूज़ करते हैं, और अगर आप भी एक यूट्यूबर हैं तो आपके पास भी वो ऐप होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप यूट्यूब के जो है स्ट्रीम में यानी यूट्यूब के स्टेज पर अपना जो है प्रोफेशन बढ़ाना चाहते हैं, यूट्यूब से अर्निंग करना चाहते हैं, तो इन चार ऐप्स के बारे में आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए वीडियो में शुरू से आखिर तक पूरा बने रहिएगा ताकि आप दोस्तों किसी भी जानकारी को मिस ना करिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले ऐप के बारे में बात करेंगे हम। गाइस, सबसे पहला ऐप जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट ऐप है एक हर एक यूट्यूबर के लिए, वो है दोस्तों यहाँ पर YT स्टूडियो। आप हमारे स्क्रीन में देख सकते हैं दोस्तों, YT स्टूडियो एरो का मैंने निशान भी लगाया है। YT स्टूडियो दोस्तों हर एक यूट्यूबर के पास होता ही है, जो बड़े से बड़े और छोटे छोटे यूट्यूबर अभी स्टार्ट कर रहे हैं वो YT स्टूडियो जरूर यूज़ करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊँगा क्यों यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन करते हैं। गाइस, यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर ये मेरा चैनल चल रहा है दोस्तों। ये मेरे वैसे दो चैनल हैं और मैंने तीसरा चैनल बनाया। गाइस, मैं आपको ये दूसरा चैनल दिखा रहा हूँ जहाँ पर मैंने अभी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं डाली है, फिर भी यहाँ पर अच्छे व्यू आए हुए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या जानकारी मिलती है दोस्तों, इसकी हमें क्या ज़रूरत है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आपको जो है आपके सब्सक्राइबर्स, व्यूज़, वॉच टाइम, जो भी आपको जानना है दोस्तों YT स्टूडियो में ही बताया है, यहाँ पर जानकारी मिल जाती है। आपके कॉमेंट्स वगैरह, जो भी आपको फॉलो कर रहा है, आपको सारी जानकारियाँ यहाँ पर YT स्टूडियो में मिल जाती है। अगर आपको यहाँ पर गाइस, अगर आपको अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ही जो है आकर एडिटिंग होती है YT स्टूडियो में ही। अगर आप YouTube पे एडिटिंग करते हैं तो वहाँ पे उतनी अच्छी एडिटिंग नहीं हो पाती है, वहाँ पे टैग वगैरह नहीं लगते। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ एग्जांपल के तौर पर, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने वीडियो पे क्लिक किया, ये है एडिटिंग का निशान। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर ये रहा एडिटिंग का निशान, तो मैं एडिटिंग के निशान पर जो है क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम चले गए एडिटिंग में, जहाँ पर गाइस देख सकते हैं यहाँ से आपका थंबनेल जो है लगता है इस निशान से। उसके बाद यहाँ पर आप टाइटल फिल करते हैं, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। उसके बाद यहीं से जो है पता लगता है ये वीडियो आपने पब्लिक करनी है या प्राइवेट करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपका जो है टैग लगता है दोस्तों, ये सब जो है आपका YT स्टूडियो में होता है। उसके बाद यहाँ पर एनालिस्टिक आता है, यानी यूट्यूब की जो आपकी वीडियो है कितना अच्छा रैंक किया है, कितना नहीं किया है, वो आपको यहाँ पर पता लग जाता है। यहाँ पर आपको सारा पता लगता है दोस्तों कि आपकी ऑडियंस कौन है, कैसी है, आपकी कौन सी वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करती है। तो ये जो ऐप है ये आपके और हर यूट्यूबर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी ऐप है। इसलिए आपने इस ऐप को अगर डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लें। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे ऐप की। दूसरे ऐप की बात करेंगे दोस्तों, तो वो है डीयू रिकॉर्डर। आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर, ये भी आपको दिख रहा होगा। डीयू रिकॉर्डर में क्या होता है दोस्तों, ये मैं आपको आगे ले चलता हूँ, यहाँ पर बताता हूँ। मैं डीयू रिकॉर्डर दोस्तों ये मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि मैं अभी आपको ये वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा हूँ दोस्तों, स्क्रीन रिकॉर्डर, ये डीयू रिकॉर्डर के जरिए ही हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये डीयू रिकॉर्डर के जरिए ही हो रहा है। कैसे हो रहा है, प्ले स्टोर से इस ऐप को हमने डाउनलोड किया है और यहाँ पर डीयू रिकॉर्डर के जरिए जो है यहाँ पर वीडियो जो है बनाई जा रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है और मेरी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। इसको कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों, वीडियो हमने रिकॉर्ड कर ली, उसके बाद हम एडिट वीडियो पे जाते हैं। एडिट वीडियो पे आने के बाद जो हमने वीडियो बनाई है उनको एडिट करते हैं, एक या दो या तीन, जैसे मैंने अभी ये वीडियो बनाई है, हमने एडिट का ऑप्शन पर क्लिक कर दिया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर जो है वीडियो आ जाएगी। इसके बाद हमने जैसे यहाँ पर क्रॉप करना है, म्यूज़िक लगाना है, टाइटल लगाना है, जो यहाँ पर आप जिस हिसाब से अपनी एडिटिंग करना चाहते हैं गाइस, यहाँ पर एडिटिंग जो है कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डीयू रिकॉर्डर का मार्क भी हटाना चाहते हैं, वाटर मार्क, तो वो भी यहाँ पर ही हटता है। तो ये भी एक यूट्यूबर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐप है और कई यूट्यूबर्स बड़े बड़े जो हैं इस ऐप के जरिए ही अपनी वीडियो को बनाते हैं और अपने फ्रेंड सर्कल और सब्सक्राइबर्स तक पहुँचाते हैं। इसलिए इस ऐप का होना भी आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीसरे ऐप के बारे में, जो यूट्यूबर्स के पास होना ही चाहिए, तो वो है टैगयू। टैगयू में क्या होता है गाइस, नए यूट्यूबर्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि यूट्यूब पर जो टैग लगाए जाते हैं कैसे लगाए जाते हैं, क्या होना चाहिए,
तो वो मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि मैं यूट्यूब पर टैग कैसे लगाया जाता है। जैसे कि दोस्तों आप किसी भी कैटेगरी से फॉलो कर रहे हैं, जिस कैटेगरी का आप वीडियो पाते हैं सबसे पहले, जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे कि हम अभी यूट्यूब के रिलेटेड वीडियो पा रहे हैं, तो मैं यहाँ पर टेक्निकल योगी जी की वीडियो देख रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, टेक्निकल योगी जी की ये वीडियो आई है, तो इस पर हम शेयर ऑप्शन पर क्लिक करके कॉपी लिंक कर लेंगे। कॉपी लिंक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर टैग यू में हम जाते हैं, टैग यू में यहाँ पर ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट लगता है मेरे दोस्तों यहाँ पर। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको साइन दिख रहा होगा टैग यू में, टैग यू में आके गेट टैग फ्रॉम URL, जी हाँ दोस्तों ये आपको दिख रहा है गेट टैग फ्रॉम URL, तो इस पर आपने क्लिक कर रहा है, जो लिंक आपने कॉपी किया उसको यहाँ पर पेस्ट कर दे। उसके बाद कुछ टैग आपके सामने आएंगे, ये टैग आपने अपने जो YouTube की वीडियो अपलोड की है अगर आपकी उससे रिलेटेड होती है, तो आपने ये टैग लगा के जो है अपने YouTube वीडियो को वायरल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको अपनी YouTube वीडियो वायरल करनी है तो आपको टैग लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बिना टैग के आपकी वीडियो जल्दी वायरल नहीं होती है। तो टैग्स को जानिए, उसको कैसे लिखते हैं, अगर आपको टैग लिखना आता है तो आपको इस ऐप की ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एक नए यूट्यूबर हैं तो इस टैग इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद चौथा जो ऐप होता है दोस्तों, अब हम चौथे ऐप की बात करेंगे दोस्तों, तो ये रहा चौथा ऐप हमारा काइनमास्टर, जो कि हर एक यूट्यूबर के फ़ोन में ही अवेलेबल होता है दोस्तों। काइनमास्टर के बिना जो है आप अपने वीडियो की एडिटिंग अच्छी तरह से नहीं कर सकते हैं। कई यूट्यूबर्स के पास और भी ऐसे ही ऐप होते हैं जो एडिटिंग करते हैं, बट काइनमास्टर जो है आधे से ज़्यादा, मतलब काफ़ी हद तक बहुत से यूट्यूबर्स काइनमास्टर के जरिए वीडियो को ऐड करते हैं। क्यों दोस्तों, आइए इसमें भी देख लेते हैं। काइनमास्टर दोस्तों जो है बहुत ही अच्छा ऐप है, जिसमें एडिटिंग भी बहुत अच्छी होती है और वीडियो की क्वालिटी वगैरह हमें हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से मिल जाती है। जी हाँ दोस्तों, आप हमें स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने भी जितनी भी वीडियो अपलोड की है आज तक सारी काइनमास्टर के जरिए ही अपलोड की है और अपना चैनल मोनेटाइज करवाया है और मैंने अपना नवा चैनल भी शुरू कर लिया है। तो आप भी गाइस जल्दी से जल्दी, अगर आपने इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो इस ऐप को भी अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और वीडियोस को बनाना शुरू करें। जी हाँ दोस्तों, ये थे चार इम्पोर्टेंट ऐप्स जो आपके फ़ोन में होने चाहिए अगर आप एक यूट्यूबर है। पहला टैग यू, दूसरा है YT स्टूडियो, उसके बाद तीसरा है ड्यू रिकॉर्डर और चौथा है काइनमास्टर। ये आपके पास ये चारों ऐप दोस्तों है तो आपको बहुत ही अच्छा जो है परफॉर्मेंस करना है आपने यूट्यूब के लिए और जल्दी से जल्दी अपने चैनल को ही मोनेटाइज करवाएं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा दोस्तों, मैं आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अपना पूरा यत्न करूंगा दोस्तों कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पाल टैक चैनल है दोस्तों, सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आइए वीडियो को लाइक कर दे और हमारा भी हौसला बढ़ाए दोस्तों। और इसी के साथ मिलेंगे हमारे नए वीडियो के साथ।